हिंदी सिनेमा के ब्लैक एंड व्हाइट युग की एक प्रमुख अभिनेत्री जो कभी लाखों दर्शकों के दिलों पर राज करती थी। इनकी खूबसूरती के दीवाने सिर्फ दर्शक ही नहीं उस दौर के कई अभिनेता और निर्देशक भी थे। यह वो अदाकारा थी जो अपने दौर में अनारकली और मुमताज महल के नाम से मशहूर हो गई थी। हम तुम्हें अनारकली के खिताब से याद करते हैं, रहती दुनिया तक तुम इसी नाम से पुकारी जाओगी, अनारकली जिंदाबाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी जिंदगी में उसी 13 अंक की अहम भूमिका रही जिसे लोग अशुभ मानते हैं। क्या आप मानेंगे कि अपने करियर की ऊंचाइयों पर इन्होंने एक फिल्म स्टार से शादी कर एक झटके में करोड़ों प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे इनके जबरदस्त स्टारडम की वजह से इनके स्टार पति डिप्रेशन में चले गए थे और 14 साल तक घर परिवार को छोड़कर हिमालय में भटकते रहे थे। तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं जुही, तुम जानती हो कि मुझे मोहब्बत से कोई वास्ता नहीं। रोजे अदल से मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। कौन थी वो अदाकारा और क्यों अपनी भारी लोकप्रियता के बावजूद वो जीवन के आखिरी दौर में गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गईं? और क्यों उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कभी किसी मुस्लिम फिल्म स्टार के साथ अपनी जोड़ी नहीं बनाई? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं आपकी होस्ट सुषमा मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उस अनारकली की जो अपने दौर में मुगले आजम की अनारकली मधुबाला से भी कहीं अधिक चर्चित और लोकप्रिय थी, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी के करोड़ों लोग प्रशंसक थे। जब प्यार किया है तो निभाना ही पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस बीना राय की। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनके फिल्मी सफर की, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। बीना राय का जन्म 13 जुलाई 1931 को लाहौर में हुआ। उनका असली नाम कृष्णा सरीन था। भारत पाक बंटवारे के समय उनका परिवार भारत के कानपुर में आकर बस गया था। कृष्णा को पढ़ाई के लिए कानपुर से लखनऊ आना पड़ा और यहाँ इनका दाखिला हुआ आईटी कॉलेज में, जहाँ वे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बीना ने कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेते लेते कब अखबार में टैलेंट कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देख फिल्मों में जाने का मन बना लिया। घर वालों को इसका पता भी ना चला। वे मुंबई जाने की अपनी जिद पर अड़ गईं। माता पिता के विरोध का सामना करने के लिए भूख हड़ताल तक कर दिया। आखिर में घर वाले मान गए और बीना ने कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। उनकी लगन और टैलेंट का नतीजा यह निकला कि वो विजेता बन गईं और बतौर अभिनेत्री पहली फिल्म मिली किशोर साहू की काली घटा। अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक ब्रिटेन में ही नहीं दुनिया भर में ज्यादातर लोग 13 के अंक को अशुभ मानते हैं, लेकिन बीना राय की जिंदगी में इस अंक की अहम भूमिका रही। जहां 13 जुलाई 1931 को उनका जन्म हुआ, वहीं 13 जुलाई 1950 को उनकी पहली फिल्म काली घटा के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। इस फिल्म के लिए राशि मिली थी 25,000। ये फिल्म 13 जुलाई 1951 को रिलीज हुई और इस तरह से उनकी फिल्मी दुनिया में एंट्री हो गई। 13 जुलाई को ही उनकी सगाई भी हुई, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। कहा जाता है कि फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता किशोर साहू ने कृष्णा को एक नाटक में देखा था। वे उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। किशोर साहू ने कृष्णा को नया नाम दिया बीना राय।
फिल्म काली घटा 1951 में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म के नायक और निर्देशक किशोर साहू ही थे। हालांकि फिल्म ज्यादा चली नहीं, अलबत्ता अपनी गजब की खूबसूरती के कारण बिना राय का जादू फिल्म निर्माताओं के सिर चढ़कर बोलने लगा। बीना राय ने तब एक के बाद एक 6 फिल्में साइन कर डाली, जिसमें एक फिल्म 1952 में रिलीज हुई और अगले साल 1953 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं इसी दौरान उनकी जिंदगी में लिए गए एक बड़े फैसले की, जो कि उनकी शादी थी। दरअसल हॉलीवुड में 1949 में रिलीज होकर तहलका मचा चुकी फिल्म सैमसन एंड डियाला की तर्ज पर बॉलीवुड निर्देशक भगवान दास वर्मा ने फिल्म औरत बनाने की तैयारी शुरू की। 1951 में उन्होंने इस दौर के चर्चित अभिनेता प्रेम नाथ के ऑपोजिट उतारा बीना राय को। कहते हैं इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया। इस फिल्म में बीना राय ने एक तेज तर्रार चुलबुली लड़की की भूमिका निभाई थी। बताते हैं कि हर शॉट के बाद वे शर्मा जाती थी। उन्हें बार बार ऐसा करते देख प्रेम नाथ ने छिड़ते हुए कहा, तुम्हारे जैसी लड़की को फिल्मों में काम करने के बजाय घर बसा लेना चाहिए। वक्त के साथ पर्दे का ये प्यार वास्तविक जीवन में भी परवान चढ़ने लगा। बता दें कि प्रेमनाथ की सगी बहन का नाम भी कृष्णा था और उनकी शादी दिग्गज अभिनेता राज कपूर से हुई थी। प्रेमनाथ तब हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े स्टार थे और उनकी फीस राज कपूर और देवानंद से भी ज्यादा हुआ करती थी। वहीं बीना राय नई नवेली अभिनेत्री थी, लेकिन उनमें काफी संभावनाएं थी। कह सकते हैं कि ये दोनों परफेक्ट कपल नजर आते थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ। इस प्रेम कहानी के काफी चर्चे रहे, क्योंकि प्रेमनाथ मधुबाला के सामने प्रेम प्रस्ताव रख चुके थे। वक्त के साथ पर्दे का प्यार वास्तविक जीवन में भी झलकने लगा और फिल्म के 1953 में रिलीज होने से पहले ही सितंबर 1952 में दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने अपना हनीमून अमेरिका में मनाया। ये दोनों वहां भारतीय प्रतिनिधि के रूप में गए थे। आज की हीरोइनें चर्चा में रहते हुए शादी नहीं करती, लेकिन बीना राय ने ऐसा नहीं सोचा। इसकी वजह थी कि वह एक परंपरागत भारतीय परिवार से थी, माता पिता के संस्कार उनमें थे। यही वजह थी कि उन्होंने फिल्मी चकाचौंध को भी कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। विवाह के बाद बीना राय ने पारिवारिक जिम्मेदारी संभालते हुए कई अच्छी फिल्मों में अभिनय किया। विवाह के बाद भी उन्हें बतौर हीरोइन खूब चर्चा मिली। फिल्म औरत के बाद शोले, शगुफा, मीनार, गोलकुंडा का कैदी, घूंघट, वाल्ला क्या बात है, ताजमहल, दादी माँ और राम राज्य जैसी दर्जनों फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। उनके पति प्रेमनाथ की फिल्म कंपनी में शगुफा, गोलकुंडा के कैदी और समुंदर का निर्माण किया। इसमें वे प्रेमनाथ के साथ थी, लेकिन पति के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई। कह दो के न बदलोगे तुम अपने इरादे। उस दौर में जहां ज्यादातर एक्ट्रेस अपने स्टारडम के रहते हुए शादी नहीं करती थी, लेकिन बीना राय ने करियर की शुरुआत में ही शादी रचा ली और एक बार भी आगे इसमें होने वाले डाउनफॉल को लेकर चिंता नहीं की। शादी के बाद उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी संभालते हुए फिल्मों में अभिनय जारी रखा। उन्हें शादी के बाद भी अच्छी फिल्में मिलती रहीं। एक खूबसूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज दिल लेने के तबाह। उन्होंने पति प्रेमनाथ के साथ कई फिल्में की, लेकिन दर्शकों ने उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को नकार दिया। दोनों की फिल्में फ्लॉप होने लगी। ऐसे समय में एक छोटे फिल्मकार नंदलाल जसवंतलाल सामने आए। उन्होंने तब के बहुत चर्चित नाटक सलीम अनारकली की कहानी को लेकर फिल्म अनारकली का निर्माण शुरू कर दिया। सलीम बने प्रदीप कुमार
और उनकी अनारकली बनी बीना राय। '1953 में रिलीज हुई इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म ने धूम मचा दी। खास तौर पर इस फिल्म में सी रामचंद्र का संगीत जबरदस्त हिट हुआ। बीना राय पर फिल्माया गया मोहब्बत में ऐसे कदम लड़खड़ाए, गाने का जादू तो संगीत प्रेमियों के सर पर चढ़कर बोल रहा था। नशे में झूमती अनारकली के रूप में बीना राय की अदाकारी दिलकश और गजब की थी। लोग इस एक गीत के लिए अनारकली को देखने बार बार सिनेमा हॉल जाते थे। उस समय बीना राय के माथे पर बालों की एक घूमती लट के साथ पोस्टर काफी मशहूर हुआ। भारतीय फिल्मों के इतिहास में तीन अनारकलियां हुई हैं। पहली मूक फिल्म में रूबी मायर्स, दूसरी 1953 के अनारकली की बीना राय और तीसरी 1960 के मुगले आजम की मधुबाला, जिसमें सबसे यादगार रही है के आसिफ की मधुबाला। लेकिन अनारकली का जिक्र छिड़ते ही याद ताजा होती है बीना राय और सी रामचंद्र के सुपरहिट संगीत से सजी, जो किसी का हो गया प्यार में ही खो गया जैसे गीतों से सजी फिल्म अनारकली की। फिल्म अनारकली 1960 में के आसिफ के मुगले आजम से किसी मायने में कमतर नहीं थी और ना ही बीना राय की अदाकारी कहीं भी मधुबाला से कम आंकी जा सकती है। मुगले आजम से 7 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने भी खूब धमाल मचाया। बीना राय अभिनीत फिल्म अनारकली की सफलता के बाद निर्माता निर्देशक के आसिफ ने उन्हें अपनी फिल्म मुगले आजम में अनारकली की मुख्य भूमिका का ऑफर दिया, लेकिन बात नहीं बनी। बीना राय ने पता नहीं क्यों इसके लिए मना कर दिया। उस दौर के फिल्म समीक्षकों का कहना था कि बीना राय किसी मुस्लिम हीरो के साथ अपनी जोड़ी नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो इस लेजेंडरी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुई। कहा तो ये भी जाता है कि वो के आसिफ और दिलीप कुमार की दिलफेंक अदाओं से बचना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि पहले वाली दलील में दम कुछ कम लगता है, क्योंकि उन्हें मुस्लिम अभिनेताओं के अपोजिट काम करने में कोई एतराज नहीं था और उन्होंने 1955 में मरीन ड्राइव में अजीत खान के अपोजिट काम किया था और ये फिल्म सफल भी रही। जिस दौर में मुगले आजम रिलीज हुई थी उससे 7 साल पहले की फिल्म थी अनारकली। कहते हैं जिस थिएटर में मुगले आजम चलती थी अक्सर उसके सामने वाले थिएटर में अनारकली प्रदर्शित की जाती थी, मतलब बीना राय की अनारकली को 7 साल बाद भी खारिज नहीं किया जा रहा था। बीना राय ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में इंडस्ट्री में अपने सौंदर्य और अभिनय के बल पर लाखों दिलों पर राज किया। उन्हें 1960 में आई फिल्म घूंघट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके पीछे एक छोटा सा किस्सा है। मुगले आजम 1960 में रिलीज हुई थी और उस दौर की बेहद कामयाब फिल्म थी। मधुबाला को उस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना तय माना जा रहा था, पर अवार्ड मिला बीना राय को फिल्म घूंघट के लिए। बीना राय ने अपने फिल्मी जीवन में करीब 30 फिल्मों में अभिनय किया। वैसे तो उन्होंने ज्यादातर फिल्में अशोक कुमार, प्रेमनाथ और भारत भूषण के साथ की, लेकिन उन्हें लोगों के दिलों में बसाने वाली फिल्में थी 1953 में आई अनारकली, 1960 में आई घूंघट और 1963 में आई ताजमहल। इन सभी में उनके हीरो थे प्रदीप कुमार। फिल्मों में उनके सबसे सफल जोड़ी प्रदीप कुमार के साथ ही बनी, जो अपनी ऐतिहासिक फिल्मों में भूमिका के कारण प्रिंस अभिनेता के रूप में मशहूर थे। जिस तरह लोग अनारकली के गीत सुनकर झूम उठते थे, उसी तरह ताजमहल के गीत भी सदाबहार साबित हुए। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, ने तो उस जमाने के प्रेमी युवाओं को
मत वाला बना दिया था। जो बात तुझ में है, तेरी तस्वीर में नहीं। पुष्पा पिक्चर्स के बैनर तले बनी एम सादिक निर्देशित फिल्म ताजमहल के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीतकार थे रोशन। ये फिल्म के गीत संगीत और बीना राय व प्रदीप कुमार की अदाकारी का ही कमाल था कि गाना जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा अपने रिलीज के दशकों बाद आज तक तरोताजा सा लगता है। बीना राय को फिल्म नागिन और देवदास के भी प्रस्ताव मिले थे मगर बीना राय ने दोनों बड़े प्रस्ताव ठुकरा दिए। बाद में ये दोनों भूमिकाएं विजयंती माला को मिल गईं। सभी जानते हैं नागिन और देवदास ने विजयंती माला को टॉप पर पहुंचा दिया था। अब आपको बताते हैं वो किस्सा जिसने बीना राय के फिल्म स्टार पति प्रेमनाथ को हिमालय की कंदराओं में भटकने वाला साधु बना डाला था। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं प्रेमनाथ अपने दौर के मशहूर स्टार रह चुके थे और उनके स्टारडम से ही प्रभावित होकर बीना राय ने उनसे शादी की थी। आमतौर पर माना जाता है कि हीरोइन की लोकप्रियता उनकी शादी के बाद कम होने लगती है लेकिन यह उल्टा ही हुआ। एक तरफ जहां बीना राय की फिल्में हिट हो रही थीं, वहीं शादी के बाद उनके पति प्रेमनाथ का करियर ढलान पर आ गया। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी भी बनाई लेकिन उसके बैनर तले बनी फिल्में भी चल नहीं पाई। इन फिल्मों के फ्लॉप होने का प्रेमनाथ पर गहरा असर पड़ा और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। इस बारे में बात करते हुए उनके छोटे बेटे मोंटी प्रेमनाथ ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए अपने एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए। उन्होंने बताया था तब पापा का आकर्षण काम नहीं आ रहा था लेकिन माँ की फिल्में हिट होती जा रही थी। घूंघट ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। दूसरी ओर पापा का करियर ढलान पर चला गया था। 1956 से 1970 के बीच के साल पापा के लिए बुरे रहे। चूंकि मॉम अच्छा कर रही थी इसलिए निर्माता उनके लिए लाइन में लगे। निमंत्रण पत्रों पर मिस्टर एंड मिसेस राय लिखा हुआ रहता था। पापा उनके लिए खुश थे लेकिन कहीं ना कहीं उनके अभिमान को ठेस पहुंची थी। वास्तव में ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म अभिमान को मेरे माता पिता के जीवन पर ही आधारित किया था। इसके बाद प्रेमनाथ हिमालय क्षेत्र में चले गए और एक तरह से संन्यास ले लिया। वहां वो लगभग 14 साल तक रहे और बीना राय अकेले घर और बच्चे संभालती रही। हालांकि प्रेमनाथ इस बीच इक्का दुक्का फिल्में करते रहे लेकिन तब वो ज्यादातर चरित्र अभिनेता या खलनायक के तौर पर ही दिखे। साहब की ऐसी खातिर तवाज़ो की जाए कि जिंदा रहे भी लेकिन ना के बराबर। इधर बीना राय ने फिल्में करनी जारी रखी। उनका करियर अच्छा चलता रहा। उन्होंने अशोक कुमार के साथ शोले, सरदार, तलाश, बंदी और दादी माँ, भारत भूषण के साथ मेरा सलाम, अजीत के साथ मरीन ड्राइव, दिलीप कुमार और देवानंद के साथ इंसानियत और शम्मी कपूर के साथ वाहल्ला क्या बात है सरी की फिल्में की। के दशक में उनके बेटे प्रेम कृष्ण एक अभिनेता बन गए और उनकी एक फिल्म हिट हुई 1977 में रिलीज हुई दुल्हन वही जो पिया मन भाई। कहने का मतलब सिर्फ इतना है मेरा डॉक्टर दादा कि अलमारी रीटा के पास भिजवानी है। अच्छा अरे छोटे मियाँ तुम्हारे वो दोस्त पियारो जगदीश का फोन है। कौन जगदीश? प्रेम किशन ने अपनी बेटी आकांक्षा मल्होत्रा को भी अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म ये मोहब्बत है में एक अभिनेत्री के रूप में लॉन्च किया। बीना राय ने कई साल पहले फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया था। उनका दावा था कि एक निश्चित उम्र की महिलाओं को अच्छी भूमिका नहीं मिलती है।
1967 के बाद वो अभिनय से नाता तोड़कर पूरी तरह घर गृहस्थी में रम गई। कभी लाखों फिल्मी दर्शकों की दिलों पर राज करने वाली हीरोइन बीना राय अंतिम समय में मुंबई के मालाबार हिल में बेटे मोंटी के साथ रहती थी। 6 दिसंबर 2009 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आपको बीना राय की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास बीना राय जी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट सुषमा मिश्रा को इजाजत। नमस्कार, शब्बा खैर।